Good morning all of you. Myself Karishma Singh from Radiant Public School Buxar. Today I am going to teach computer for class 7. पिछले क्लास में आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा जिसका नेम है कंप्यूटर फंडामेंटल. आज उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे और बुक के बारे में जो कि इस प्रकार है. इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव जो है पहला है टिक द राइट ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन टिक मार्क है क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है ए लैपटॉप इज अ, ऑप्शन है वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर. तो इसका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट अलाउज योर कंप्यूटर टू वर्क. तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेसर इज. तो इसका आंसर होगा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फोर्थ क्वेश्चन है वर्क स्टेशन आर यूज इन. इसका आंसर होगा इंजीनियरिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग. फिफ्थ क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ ए लो लेवल लैंग्वेज इज. इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. अब ट्रू फॉल्स है. पहला क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर्स आर लेस पावरफुल देन वर्क स्टेशन. फॉल्स होगा. पीसी स्टैंड फॉर पावरफुल कंप्यूटर. फॉल्स होगा. ए वर्क स्टेशन इज लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज अ लेस पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर देन पीसी. ये भी फॉल्स होगा. फोर्थ क्वेश्चन है देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. ट्रू. फिफ्थ है असेंबली लैंग्वेज इज द मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फॉल्स. सिक्स है बेसिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज. ट्रू. अब है रिटन जोन जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है. पहला क्वेश्चन है ब्लैंक है इज ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर. तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर. सेकेंड क्वेश्चन एल्गोल स्टैंड फॉर. तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज. थर्ड है ब्लैंक है डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर. इसमें होगा सॉफ्टवेयर. फोर्थ है पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट अपीयर्ड इन द लेट 1970. फिफ्थ है ब्लैंक है इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स. तो लैंग्वेज. इसके बाद क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट. फिफ्थ एफ नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, जो कि इस प्रकार है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट इस प्रकार है. पहला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन चिप इन द कंप्यूटर दैट मेक्स एवरीथिंग गो. इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू. इज द नेम ऑफ द मेन चिप इन द कंप्यूटर दैट मेक्स एवरीथिंग गो. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर. तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी. थर्ड क्वेश्चन है राइट टू एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. आंसर होगा देयर आर टू एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. पहला है इट इज़ यूजर फ्रेंडली और दूसरा है इट इज़ ईजियर टू मेंटेन. फोर्थ क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. इसका आंसर है द टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आर. पहला टावर मॉडल, दूसरा डेस्कटॉप मॉडल, तीसरा नोटबुक कंप्यूटर, फोर्थ लैपटॉप कंप्यूटर, फिफ्थ सब नोटबुक कंप्यूटर, सिक्स्थ हैंडहेल्ड कंप्यूटर, सेवन्थ पाम टॉप और एट पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है. Answer the following question in details. पहला question, what is the difference between supercomputer and mainframe computer? इसका answer है there are following difference between supercomputer and mainframe computer. ये supercomputer और ये mainframe computer. पहला है supercomputer is a broad term for one of the fastest computer currently available. वही mainframe में है. Mainframe computer is a very large and expensive computer capable of supporting hundreds or even thousands of users simultaneously. Second है supercomputer channels all its power into executing a few program as fast as possible. Mainframe का है mainframe computers uses it power to execute many programs concurrently. और third difference है फॉर example, वेदर forecasting requires a supercomputer. और mainframe का है mainframe computer are more than powerful the supercomputer. Our second question is, define the term personal computer. इसका answer है personal computer can be defined as a small, relatively inexpensive computer designed for an individual user. All are based on the microprocessor technology that enable manufacturers to put an entire CPU on one chip. Third question है name two categories of computer language explain it.
इसका आंसर है देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसको एक्सप्लेन करना है। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन कोड विच आर क्लोज टू देम अ कंप्यूटर कैनॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन इंग्लिश। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज गिवन फॉर्मेट्स क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड द पर्पस ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज टू इनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम्स इजिली एंड इन दियर ओन नेटिव लैंग्वेज एनवायरमेंट। हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज दैट यूज इंग्लिश वर्ड। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू बाइनरी कोड्स कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग को बताया जा चुका है कि हम लोग बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं बाइनरी डिजिट, बाइनरी कोड, इसको हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को। इसका बेस टू होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस टू होता है जैसे कि आप लोग को बताया जा चुका है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इसका बेस 2 है यानी कि सारे डिजिट में 2 से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 2 ऐड का सिंबल, 0 × 2 ऐड का सिंबल, 1 × 2 ऐड का सिंबल और 0 × 2। और इसके पावर्स को अपोजिट साइड से हम लोग देना स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 2 × 2 ऐड, 0 × 2 × 2 ऐड, 1 × 2 ऐड, 0 × 2। तो 2 में 3 बार ऐड करेंगे तो 8 होगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 ऐड, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 में 2 = 0। इसका आंसर होगा 8 और 2 = 10। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, तो जब ये आंसर डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसका बेस हम लोग 10 लगाकर आंसर कर देंगे। इसको आप लोग सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।